हेलो दोस्तों, मैंने शाओमी का रेडमी टीवी 32 इंच का आखिरकार बाय कर लिया है। और आप सभी को मैं बता दूं, ये मेरे पुराने चैनल और इस चैनल की दोनों की अर्निंग को मिलाकर लेके मैं आया हुआ हूँ केवल आप लोगों के लिए। तो इस टीवी में क्या ऐसा खास है, क्या ये टीवी आपको लेना चाहिए या नहीं, और क्यों नहीं लेना चाहिए। और एक बात मैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं, शाओमी का 32 इंच का सबसे सस्ता टीवी आज की डेट में अगर कोई है तो वो है शाओमी का रेडमी टीवी 32 इंच, शाओमी का रेडमी टीवी 43 इंच। काफ़ी अच्छे टीवी आ रहे हैं शाओमी के इस प्राइस पर। एंड्रॉयड 11 का पहला शाओमी का ये टीवी है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे पिछले 2-3 दिन से, जब से मैं इस टीवी को यूज़ कर रहा हूँ, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। और अभी हम फटाफट बिना समय वेस्ट किए हुए इसके अनबॉक्सिंग का भी वीडियो देख लेते हैं, जो कि मेरे घर पर टेक्नीशियन द्वारा किया गया था। तो बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर दीजिएगा। और हाँ, आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, व्हाट्सअप का लिंक दिया है, साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, जहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं बेझिझक आप उनसे पूछ सकते हैं। बिना समय वेस्ट किए फटाफट से मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे क्या है इस टीवी में, और इस टीवी का क्विक सेटअप के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस टीवी के अंदर खास है जिसके लिए आपको ये टीवी लेना चाहिए, क्यों ये टीवी आपको नहीं लेना चाहिए। तो बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके डिलीवरी बॉय बड़ी गाड़ी लेके आए थे तो वो मेरी गली में नहीं आ रही थी, तो काफ़ी अच्छी सर्विस लगी। इनका बंदा हाथ में लेके आ गया, मेरे घर पर लगा के गया, मतलब कि रख कर गया और सारा प्रोसेस करके गया, समझा के भी गया। और उसके बाद ये टेक्नीशियन साहब की अनबॉक्सिंग है, जो कि उन्होंने सेम डे मुझे मिली। इस बार शाओमी की तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मुझे मिली, सेम डे शाओमी की तरफ से टेक्नीशियन आ गए और काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि इतनी फास्ट सर्विस है। बाकी बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है ऊपर रख के, पर मुझे नहीं आया ये, मुझे अच्छा लगा। साथ ही साथ मुझे अमेजन की डिलीवरी बहुत अच्छी लगती है, टाइम पर डिलीवरी देते हैं, बहुत सही डिलीवरी देते हैं ये। और ये अनबॉक्सिंग जो है टेक्नीशियन ने खुद करके घर पे करके गए हैं। वाल माउंट लगाना था बट घर की स्थिति को देखते हुए वाल माउंट मैंने कहीं नहीं लगवाया, क्योंकि घर में सभी जगह कलर करवाना बाकी था। तो मैंने अभी इसे टेबल टॉप करवा लिया है और टेबल टॉप अभी मैं कुछ समय इसको यूज़ करूँगा। इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये रेडमी की ब्रांडिंग आ गई है। अब इसके बाद क्या क्या इसमें पैकेज कंटेंट मिलता है या दो स्टैंड जो है वो कैसे क्या लगाते हैं, वो भी आप आगे फास्ट फॉरवर्ड मोड में आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये टीवी मेरा हो चुका है अनबॉक्स। इसमें इस बार उन्होंने रिमोट पिछले वाला ही दिया हुआ जो हमेशा उनके टीवी में आता है, इस बार उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है इस बटन का। इस बटन में उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिया है। पहले एक सारे टीवी के अंदर मी का लोगो बन के आता था, इस बार उन्होंने लोगो को थोड़ा सा चेंज किया है। बाकी रिमोट में कोई फ़र्क नहीं है, सेम वही रिमोट है जो पिछले रिमोट में जितने भी शाओमी के हैं, वही नेटफ्लिक्स प्राइम के बटन दिए हैं, वॉल्यूम अप डाउन, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा दिया हुआ, ज़्यादा इसमें बटन्स नहीं हैं। अभी मैं करता हूँ टीवी को सबसे पहले फर्स्ट टाइम बूट, तो अभी आई थिंक मैं देखता हूँ ये टीवी चालू होगा या नहीं रिमोट से। तो फर्स्ट टाइम जब भी हम सेटअप करते हैं तो टीवी रिमोट से चालू नहीं होता है, मैं बटन से चालू करने की कोशिश करता हूँ, जो कि इसके बॉटम में रेडमी का जो लोगो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसके नीचे दिया हुआ है, तो ये इसका लोगो दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों, एक थोड़ी सी आपको यहाँ थोड़ा सा गौर करना, देखो दोस्तों कहीं पे भी अगर हम हाथ हल्का सा टच कर रहे हैं, इसकी डिस्प्ले काफ़ी वाइट वाइट हो जा रही है, देख रहे हैं आप। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बुरा लगा कि क्या पता इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। बाकी ओल्ड टीवी में भी ये होता था, पर इस बार शायद क्या पता कौन सा इन्होंने पैनल यूज़ किया है, IPS ही पैनल है ये तो कंफर्म है, पर कौन सी क्वालिटी है ये थोड़ा सा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एनर्जी सेविंग भी इस बार 1 स्टार की दी हुई है, तो इसको मैं फटाफट से हटा लेता हूँ इसके स्क्रीन से। तो ये मैंने इसको हटा दिया, इसको मैं कहीं बैक साइड में पीछे इसको प्लेस कर देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे साइड में इसको प्लेस कर देता हूँ। तो सबसे पहले
ये इस प्रकार का मोनो आया हुआ है, तो हम सिंपल क्या क्या करेंगे, ओ ऑटोमेटिक पेयर हो चुका है, तो अब हम कर लेते फटाफट से इसकी सारा सेटअप। तो ये यहाँ से हमने सेटअप कर लिया। सेटअप जब तक मैं करता हूँ तब तक मैं आपको इसका दिखाता हूँ, इसका बिल्ड क्वालिटी कैसी ये टीवी है, कितना अच्छा फ्रेम यूज़ किया गया, क्या प्लास्टिक इसमें अच्छा यूज़ किया गया है या नहीं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। फ्रंट में तो काफ़ी अच्छा है, ये कॉम्पैक्ट सा दिख रहा है, सभी जगह पॉलीथीन उन्होंने लगाकर काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। फ्रंट साइड से तो जैसा पुराना टीवी है सेम बेजल्स इसके अंदर दिए हुए हैं। अब मैं आपको इसको बैक साइड से दिखाना चाहूँगा कि बैक साइड से ये टीवी कैसा है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बैक साइड से इसमें रेडमी की ब्रांडिंग दी हुई है और काफ़ी अच्छा मटेरियल प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है। बट दोस्तों अभी देखो आपको मैं पास से दिखाने की कोशिश करूँगा कुछ इस प्रकार से इसका क्वालिटी और डिज़ाइन। पीछे से बहुत अच्छा डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है। इसके जितने भी पोर्ट हैं वो आपको यहाँ साइड में दिए हुए हैं, चाहे वो दो USB पोर्ट हो, यहाँ ये ऊपर दिए हुए हैं, AV पोर्ट यहाँ दिया हुआ है, हेडफोन का जेक का भी पिन दिया हुआ है, HDMI पोर्ट भी दिया है, इसमें LAN पोर्ट भी दिया है और जो पुराना एंटीना होता है उसका भी पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में सभी का नाम भी यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है उन्होंने, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। पर इस बार थोड़ा सा उन्होंने प्लेसिंग इसकी जो है वो चेंज की और जो पीछे का प्लास्टिक है ये काफ़ी अच्छा उन्होंने यूज़ किया है। अब दोस्तों एक थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जूम करके, इसकी जो प्लास्टिक है पिछले से थोड़ा सा हल्का देखो यहाँ से निकल रहा है ये, तो मैं भी इसको ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं मैं, बट थोड़ा सा प्लास्टिक यहाँ लो क्वालिटी का मुझे लगा तो मैंने आपको बताया। बट हाँ टीवी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका हो गया सेटअप फटाफट से कंप्लीट, ये गया एग्री किया मैंने Xiaomi का यूज़र एग्रीमेंट और ये टीवी पैचवॉल के ऊपर स्विच होना चाहिए। अभी ये एंड्रॉयड का जो UI है उस पर आ चुका है, अभी मैं इसको पैचवॉल पे भी लेके चलता हूँ, तो ये पैचवॉल में स्विच हो चुका है। फटाफट से मैं आपको इसका बता देता हूँ कौन सा एंड्रॉयड वर्ज़न है। तो मैं जाता हूँ फटाक से सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम चलते एडिशनल सेटिंग में, साथ ही इसमें डिवाइस प्रिफ्रेंस सेटिंग के अंदर जाते हैं, देन यहाँ पिक्चर्स में जाते हैं, यहाँ हम जाएंगे अबाउट के अंदर। अबाउट के अंदर देखेंगे तो ये एंड्रॉयड टीवी OS जो है वो एंड्रॉयड 11 पर वर्क कर रहा है, बोल सकते हैं एंड्रॉयड R पे वर्क कर रहा है। तो ये इसका कमाल धमाल का फीचर्स है जो कि एंड्रॉयड R का Xiaomi का अभी तक का पहला टीवी है। अब आई डोंट नो अभी मैं यूज़ करूँगा, देखूँगा इसे ऊपर नीचे स्वाइप कैसे करते हैं, क्योंकि फ़ोन में तो हम कुछ इस प्रकार से स्वाइप कर देते हैं, अब इसमें कैसे होता है वो ज़रा मुझे देखना है। तो ये एंड्रॉयड R पर आने वाला Xiaomi का पहला टीवी है। अब इसकी सबसे पहली बात मैं करूँ इसके साउंड क्वालिटी को लेकर, अब इसकी कुछ बुराइयों की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा बुराई इस टीवी में है नहीं। मुझे अगर कुछ बुराई लगा है तो शायद मुझे शायद इसका पैनल लगा है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है जिसे मुझे लग रहा है कि इसका पैनल मी टीवी 4A प्रो या होराइजन एडिशन वाले टीवी के अंदर जो पैनल आता है उससे या तो बेटर हो सकता है जैसा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या हो सकता है उससे लो क्वालिटी का है, क्योंकि Xiaomi का अभी तक का सबसे सस्ता टीवी आज की डेट में अगर सेल हो रहा है तो Xiaomi का यही टीवी है। अभी मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, साउंड सुनकर आप समझेंगे कैसा इसका साउंड है। तो चलिए मैं अभी आपको साउंड यहाँ पर सुनाकर बताता हूँ। दोस्तों साउंड के मामले में काफ़ी अच्छा मुझे ये Xiaomi का टीवी लगा। उनके जितने भी पुराने टीवी हैं, चाहे वो 4A प्रो होराइजन एडिशन हो या 2018 के पैचवॉल टीवी हो, सबसे अच्छा प्राइस इस प्राइस वेरिएंट पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें डॉल्बी का सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में मिलता है। इसमें सराउंड साउंड 5.1 चैनल का आपको HDMI के थ्रू अगर आपके पास होम थिएटर है उसमें भी सपोर्ट देखने को मिलेगा।
तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं वाईफाई की बात करूँ तो इसमें जो इसके मेन स्पेसिफिकेशन्स है या मेन इसके पार्ट है या यूएसपी क्या है इस टीवी की, तो पहला हुआ इसका डिस्प्ले जिसमें विविड पिक्चर इंजन 2 दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी सपोर्ट दिया है। इसमें 20 वोल्ट का स्पीकर पर आपको डॉल्बी का सपोर्ट भी दिया गया है। काफ़ी अच्छे प्राइस वेरिएंट पर ये टीवी आपको देखने को मिलता है। अगर आप ये टीवी लेना चाहते हैं तो मैंने अमेजन की ग्रेट इंडियन जो सेल होती है जिसमें 14,999 का ये टीवी था, तो मुझे 12,000 रुपये के आसपास ये टीवी पड़ा है। मैंने काफ़ी सारे डिस्काउंट वगैरह सब अप्लाई किए, मेरे पास HDFC का कार्ड नहीं था, नहीं तो समझो आप 1500 रुपये और डिस्काउंट हो जाते और ये मेरे लिए टीवी काफ़ी सस्ती डील हो जाती। तो अभी भी ऑफ़र्स काफ़ी हैं अमेजन पर, आप चाहें तो 1500 रुपये का इस पे इंस्टेंट डिस्काउंट वाला ऑफ़र अभी भी चल रहा है, साथ ही साथ उस पे कूपन्स ऑफ़र भी अमेजन अपनी तरफ से सेलर की तरफ से दे रहा है, तो आप ये टीवी ले सकते हैं। इसके अलावा क्या इस टीवी का यूज़ है, कितना अच्छा है, इसलिए आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा। कोई डाउट आपके रह जाते हैं, मैंने तो जस्ट एक नॉर्मल वीडियो बनाकर आपको बताया है, तो अगर कुछ गलती रह जाती है तो थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो और सजेस्ट ज़रूर करिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ पाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।